हमारा एडमिशन कैसे होगा कि आपको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट एक दिखा देता हूँ। आपका एडमिशन फिक्स है, किसी ना किसी कॉलेज में हो ही जाएगा। भी कॉलेज में आपका एडमिशन होगा, आपका नाम जो आएगा वो इसी रैंक के हिसाब से, मतलब इसी नंबर के हिसाब से आएगा। अगर ये फिक्स रूल हो गया है कि आप सभी को सीयूटी का एग्जाम देके ही ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा, सोच रहे होंगे कि मैं पास हूँ या फेल हूँ। तो दोस्तों सो हे गाइस, मेरे पास आगे एक नया व्यवसाय। तो दोस्तों क्लास 12 के जितने भी स्टूडेंट थे और जो अपना एडमिशन क्लास 12 के बाद ग्रेजुएशन करना चाहते थे, ग्रेजुएशन सेमेस्टर 1 में अपना एडमिशन कराना चाहते थे, दोस्तों आप सभी को पता ही होगा जो ग्रेजुएशन में एडमिशन कराने का क्राइटेरिया है, जो कि हर कॉलेज में अब ये फिक्स रूल हो गया है कि आप सभी को सीयूटी का एग्जाम देके ही ग्रेजुएशन में एडमिशन मिलेगा। तो दोस्तों आप सभी ने क्या किया, सीयूटी का फॉर्म भरा, सीयूटी का एग्जाम भी दिया, ठीक दोस्तों। और अब आपका क्या हुआ, सीयूटी का रिजल्ट भी आ गया है। अब आपके मन में बस एक ही चीज चल रहा है कि अब रिजल्ट तो आ गया, लेकिन अब आगे का प्रोसेस क्या है, हमारा एडमिशन कैसे होगा, कितने पैसे लगेंगे, हम रिजल्ट में फेल है या पास है, हमारा एडमिशन जो है कितने प्रोसेस से आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाएगा, बस आप इस वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिएगा, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं, रिजल्ट आ गया, अब आगे क्या करें। तो दोस्तों अब आगे आपको क्या करना है, तो ये देखिए दोस्तों एडमिशन के लिए फुल प्रोसेस, जो एडमिशन का फुल प्रोसेस है। तो दोस्तों सबसे पहले स्कोर कार्ड में आ जाते हैं। दोस्तों आप सभी को जो है हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटी, मतलब यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट था, या तो तीन या तो छह सब्जेक्ट होंगे आपका, ठीक दोस्तों। तो आपका जितना भी यहाँ पर स्कोर आया है वो आपको देखना है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट एक दिखा देता हूँ, इस स्क्रीनशॉट को आप ध्यान से देखिए। इस स्क्रीनशॉट में आपको दिखेगा ये ओरिजिनल है, ठीक दोस्तों, इसने भी सीयूटी का ही एग्जाम दिया है और उसका स्कोर कार्ड ये है, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों ये जो आपका स्कोर कार्ड आया है, आप सोच रहे हैं कि अगर मेरा जितना भी नंबर आया, जैसे 210 नंबर आया, 230 नंबर आया, 240 नंबर आया या 300 नंबर आया, ठीक दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पास हूं या फेल हूं। तो दोस्तों आप ना ही पास है और ना ही फेल है। देखिए मैं एक चीज आपको समझाता हूं। देखिए आप मान लीजिए कोई बच्चा है, उसका 100 नंबर आया, ठीक दोस्तों। दूसरा बच्चा उसका 90 नंबर आया, तीसरा बच्चा है उसका 80 नंबर आया, और चौथा बच्चा जो है उसका 70 नंबर आया, ये पांचवा जिसमें आप आ जाते हो, जैसे आपका नंबर आया है 50 नंबर, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होगा कोई भी कॉलेज में, जो मेरिट लिस्ट बनेगा कोई, वो इसी रैंक के हिसाब से, मतलब इसी नंबर के हिसाब से आएगा। अगर आप किसी भी कॉलेज में अप्लाई करते हो, जैसे हो गया धनबाद में आता है BBMKU, ठीक दोस्तों MKU, और उसके बाद आता है हजारीबाग में BBU। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी पे अप्लाई करते हो, ठीक दोस्तों, तो वहां पर आपका क्या होगा, क्या किस प्रोसेस से आपको लिया जाएगा। जैसे कि जो 100 नंबर वाला होगा उसको पहले लिया जाएगा, फिर 90 नंबर वाले को लिया जाएगा, फिर 80 नंबर वाले को लिया जाएगा, फिर 70 नंबर वाले को लिया जाएगा, और उसके बाद 50 नंबर वाले को लिया जाएगा, जैसे आप उसके बाद आपको लिया जाएगा पांचवें नंबर पे, ठीक दोस्तों। तो इस तरह से ना आप फेल है ना पास है, बस आपका जो रैंक है, आपका जो नंबर है, उसी हिसाब से आपका एडमिशन होने वाला है, ठीक दोस्तों। और अब आप सोच रहे हैं कि ये तो आपका क्लियर हो गया कि रिजल्ट में आप ना फेल है ना पास है, ठीक दोस्तों, आप ना फेल है और ना ही पास है, कितना पैसा लगेगा। तो दोस्तों आपको कितना पैसा लगेगा, पैसा जो है देखिए, सबसे पहले आपको सीयूटी का फॉर्म भरा गया, सीयूटी में आपको लूट लिया, कम से कम 800 रुपया या 1400 रुपया जितना आपका लगा वो तो गया उधर। अब जैसे ही आप एडमिशन के लिए काउंसिलिंग करवाओगे उसमें भी आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक। अब एडमिशन के लिए काउंसलिंग के लिए तो अलग पैसा, फिर आपका मेरिट लिस्ट आया, मेरिट लिस्ट में जाओगे वहां पर एडमिशन कराने कॉलेज में, फिर अलग से, मतलब पैसा का ही खेल है दोस्तों। आपको इस बार क्या है, ग्रेजुएशन एडमिशन के लिए बहुत पैसा लग रहा है, और जैसा यूनिवर्सिटी रहेगा उस तरह से आपको पैसा देना पड़ेगा, और मतलब जिस टाइप का यूनिवर्सिटी रहेगा, ठीक दोस्तों। अगर प्राइवेट रहेगा तो आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, और अगर सरकारी गवर्नमेंट कॉलेज रहता है तो आपको कम पैसा देना पड़ता है, ठीक। अब आ जाते हैं एडमिशन में। तो दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा एडमिशन में एक तो सीयूटी के थ्रू से होगा, और दूसरा आपका अगर चांसलर पोर्टल कोई कॉलेज में खोलता है, चांसलर पोर्टल से भी आपका एडमिशन हो जाएगा, और यूनिवर्सिटी का भी एक पोर्टल होता है, मतलब एक वेबसाइट होता है वो खुलता है, उसमें भी अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका एडमिशन हो जाएगा। मतलब दोस्तों एक तरह से कहा जाए तो आप सीयूटी का भी एग्जाम दिए हैं अगर, तो आप एडमिशन के लिए चांसलर पोर्टल या यूनिवर्सिटी पोर्टल में भी अपना फॉर्म अप्लाई कर दे,
ठीक दोस्तों, नहीं तो आपका क्या होगा एडमिशन में अगर सीयूटी में नहीं आया तो कम से कम इधर तो आ ही जाएगा। ठीक, और दोस्तों आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। क्यों दोस्तों? क्योंकि आपका एडमिशन फिक्स है, किसी ना किसी कॉलेज में हो ही जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि बड़े बड़े कॉलेजों में ही आपको ज्यादा मांगता है कि आपका ज्यादा नंबर आए, जैसे कि हो गया BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या DU दिल्ली यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटीज है इनमें आपको रैंक ज्यादा लाना पड़ेगा, जैसे कि कम से कम 80% आपको CET में नंबर लाना पड़ता अगर आप OBC या जनरल से हो। ठीक दोस्तों, OBC का तो कम से कम 75% और 80% जनरल वाले को, और SC ST 60-65% अगर लाता है तो उसका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको जो ये नॉर्मल कॉलेज जो आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन करना है तो दोस्तों आपका जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है वो उसमें आपका निश्चित एडमिशन हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपका अगर कुछ भी डाउट है, किसी प्रकार का डाउट है, अगर कुछ भी आपको क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट करके हमें जरूर पूछ सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑल इन विकास को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।